नमस्कार दोस्तों, आप सभी का SBI इंडिया में स्वागत है। SBG इंडिया में आपको भी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपडेट करेंगे जो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलते रहेंगे। हम आज इस वीडियो में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशन ऑफ ओशन वॉल मीटर मूवमेंट, कनेक्ट अ वोल्टर टू अ वोल्ट मीटर टू अ सर्किट, वोल्ट मीटर को कैसे सर्किट से कनेक्ट किया जाता है, कैसे एनालॉग मल्टीमीटर में रेट किया जाता है, कनेक्ट मीटर एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है, रेजिस्टेंस यूजिंग इन ओम मीटर, रेजिस्ट है ना ओम मीटर में ओम मीटर रेजिस्टेंस कैसे यूज किया जाता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? एनालॉग मीटर आर कैरेक्टरिज बाई द फैक्ट दैट दे यूज अ पॉइंटर एंड अ स्केल टू इंडिकेट देयर वैल्यू। वन ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ मीटर यूज द डिओशनल टाइप ऑफ मीटर मूवमेंट। एनालॉग मीटर यूज अ मूविंग कॉइल प्लेस बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिक डिओशनल मीटर मूवमेंट ओवरव्यू इज गिवेन दैट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेसिक डी ओशन वॉल मीटर मूवमेंट विथ रेक्टिफायर टू चेंज एसी वोल्टेज टू डी सी वोल्टेज। हेयर गिवेन द फिगर्स द एसी सर्किट रेक्टिफायर सर्किट इज गिवेन दैट इज कन्वर्ट द एसी टू डीसी सिग्नल। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द वोल्ट मीटर इज डिजाइन टू बी कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द सोर्स ऑफ पावर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रीडिंग एन एनालॉग मीटर से सिमिलर टू रीडिंग अ स्पीड मीटर और फ्यूल गेज। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द एमीटर इज यूज टू मेजर करेंट। एमीटर इज यूज टू मेजर करेंट एंड मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड टू परमिट द लोड टू सॉरी लोड टू लिमिट द करेंट फ्लो। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अ शंट इज यूज टू सेट द वैल्यू ऑफ द एमीटर। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेनी इलेक्ट्रिशियन यूज द क्लैंप ऑन टाइप ऑफ एसी एमीटर। प्लीज नोट द क्लैंप ऑन एमीटर रीड ओनली वन कंडक्टर एट अ टाइम। ओमीटर द ओमीटर इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मेजरिंग देयर आर टू बेसिक टाइप एनालॉग और डिजिटल। द कॉमन वोल्ट ओम मिलीमीटर कंटेन एन ओम मीटर एंड ओम मीटर शुड ऑलवेज बी रीएडजस्ट टू जीरो व्हेन द स्केल इज चेंज। डिजिटल ओममीटर डिस्प्ले द रेजिस्टेंस इन फिगर्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ मीटर मूवमेंट। दे ऑपरेट बाय मेजरिंग द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ रजिस्टर। द ओममीटर वेदर डिजिटल और एनालॉग मस्ट नेवर बी कनेक्टेड टू अ सर्किट व्हेन द पावर इज टर्न ऑन। डिजिटल ओममीटर फिगर्स इज गिवन बिलो। That is 9 volt here. 9 volt batteries use current generators and digital voltmeter. Digital display is given there. Digital voltmeter internal circuit is given here. Low impedance voltage tester. The low impedance voltage tester has very large current draw compared to other type of voltmeter and should never be used to test low power circuit. Low impedance voltage tester. This tester has an impedance of 500 ohm and can generally be used to measure voltage as high as 600 volt. This is also known as a solenoid type tester. This tester is not susceptible to giving the misleading voltage reading caused by high impedance ground part or feedback voltage. Low impedance voltage tester, high impedance ground part can produce misleading voltage reading.
लो इम्पीडेंस वोल्टेज सेंसर इज गिवन हियर। रीडिंग अ डिजिटल मीटर, मैनी डिजिटल मीटर आर ऑटो रेंगिंग विच मीन्स डेट दे सेलेक्ट द रेंज स्केल ऑटोमेटिकली। दिस टाइप विल डिस्प्ले अ नोटेशन बिसाइड द न्यूमेरिकल डिजिट टू इंडिकेट द मीटर स्केल। रिव्यू, द डी अर्थन वॉल मूवमेंट इज वन ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ मीटर। द डी अर्थन वॉल मूवमेंट ऑपरेट ओनली ऑन डीसी करेंट और रेक्टिफाइड एसी करेंट। वोल्ट मीटर हैव अ हाई रेजिस्टेंस एंड आर डिजाइन टू बी कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द पावर लाइन। एमीटर हैव अ लो रेजिस्टेंस एंड मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद अ लोड। Shunt are used to change the value of DC ammeter. Clamp on ammeter read only on only one conductor at a time. Ohmmeter are used to measure the resistance in a circuit. There are two basic types of ohmmeter, analog and digital. Ohmmeter must never be connected to a circuit that has power applied to it. Digital multimeter display their value in digital digit instead of using a meter movement. Digital ohmmeter measures resistance by measuring the voltage drop across an unknown resistor when a known amount of current flowing through it. Low impedance voltage testers are not susceptible to indicating a negligible voltage caused by a high impedance ground.